जेई में 2019 में पीओसी के दो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं. एक ये है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज शोइंग द फॉलोइंग सॉलिबिलिटी प्रोफाइल इज. एक्स की सॉलिबिलिटी प्रोफाइल क्या है? H2O में इनसॉलिबल. डाइल्यूट HCl यहाँ 5% लिखा उन्होंने, इनसॉलिबल. 10% NaOH में सॉलिबल और 10% सोडियम बाइकार्बोनेट में इनसॉलिबल. ठीक है ना, यानी कि ये NaOH में सॉलिबल है. ठीक है ना, ऑप्शंस हैं मेटाक्रिसॉल, ओलिक एसिड, ऑर्थोटोल्विडीन या बेंजामाइड. मैं आपको बताता हूँ, इसे हम POC2 बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड. इसमें हम केवल सॉलिबिलिटी की ही बात करते हैं. ठीक है ना, और सॉलिबिलिटी के लिए भी हम केवल चार तरह के सॉल्वेंट्स की बात करते हैं. पहला सॉल्वेंट है कोल्ड वाटर. ठीक है ना, पहला सॉल्वेंट. इसमें कौन कौन से सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं? सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं C1 से लेकर C5, यानी कि 1 से 5 कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स, अलोंग विद फंक्शनल ग्रुप कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है ना, जरा ध्यान से समझें इस बात को. केवल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्ड वाटर में सॉल्युबल हैं जिनमें कार्बनों का नंबर C1 से C5 हो और उसके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो कम से कम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के काबिल हो. ठीक है ना, जैसे ऑक्सैलिक एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि कोई एमिनो एसिड ले लो. ठीक है ना, अमीनो एसिड ले लो, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे. ठीक है ना, जैसे कि कोई इस तरह का एक डाई एमीन ले लो. ठीक है ना, इस टाइप के, मतलब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके और कार्बनों का नंबर 5 से ज़्यादा ना हो. इसके एक्सेप्शन है हालांकि ग्लूकोज और सुक्रोज. ग्लूकोज क्या है? C6H12O6. और सुक्रोज क्या है भाई? सुक्रोज है C12H22O11. ये दोनों भी वाटर सॉल्युबल हैं बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है ना, ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल है. ठीक है ना, अदरवाइज हमारे पास वाटर में सॉल्युबिलिटी की ये कंडीशन है कि कार्बन का नंबर 1 से 5 के बीच में हो और फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से हो कि वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो कम से कम. ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबिलिटी का केस होता है. हमारा कंपाउंड एक्स जो है इस क्वेश्चन में है वो वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि वो इस कैटेगरी में नहीं आता. ठीक है ना, अच्छा कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते ही नहीं है? कौन कौन से कंपाउंड्स है भाई? सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है ना, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो पानी में नहीं घुलते, हाइड्रोकार्बन्स पानी में नहीं घुलते, सारे नाइट्रो कंपाउंड्स पानी में नहीं घुलते. ठीक है ना, हेलो कंपाउंड्स पानी में नहीं घुलते वगैरह. ठीक है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड तो पानी में नहीं घुलता, इवन इफ इट हैज फंक्शनल ग्रुप विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये इनसॉल्युबल है. दूसरा सॉल्वेंट जो हम इसी कैटेगरी में यूज करते हैं कोल्ड वाटर पहले ट्राई करके उसके बाद, वो है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट. कौन कौन से इसमें सॉल्युबल है भाई? वो सभी जो वाटर में सॉल्युबल है वो तो इसमें सॉल्युबल होंगे ही, साथ में सारे एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और फिनॉल तो नहीं होते लेकिन नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, डाइनाइट्रोफिनॉल्स. ठीक है ना, ये सॉल्युबल होते हैं. ठीक है ना, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं होता. अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें तो ये उसमें डिजॉल्व होता है. फिनॉल ही नहीं, सारे फिनॉलिक कंपाउंड्स. फिनॉल एक कंपाउंड का भी नाम है और फिनॉलिक जो है एक फंक्शनल ग्रुप का भी नाम है. मान लो इस पे मिथाइल लगा दें, मान लो इस पे नाइट्रो लगा दें, इस पे मान लो हमने क्लोरो लगा दिया, उन सबको हम फिनॉल ही बोलेंगे. तो फिनॉल इज ए कंपाउंड एज वेल एज फिनॉलिक इज ए फंक्शनल ग्रुप. तो फिनॉल एंड फिनॉलिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट बट नाइट्रोफिनॉल्स आर सॉल्युबल. ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद पहले ये ट्राई करते हैं, इसमें अगर नई बात बनी तो ये ट्राई करते हैं, इसी सीक्वेंस में करना है हमें. ठीक है ना, फिर तीसरा होता है एक्वस NaOH.
इसमें वो सभी डिजॉल्व होते हैं जो कोल्ड वाटर में होते हैं या एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में होते हैं, साथ में इसमें फिनॉल्स भी हो जाते हैं, साथ में इसमें फिनॉल्स भी हो जाते हैं। तो फिनॉल देखें, फिनॉल और फिनॉलिक कंपाउंड्स की एक खास बात ये होती है कि इसका पीएच इस तरह से एडजस्टेड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं डिजॉल्व होता जबकि दूसरे एसिड होते हैं, और NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, सॉल्युबल है। इसके बाद हम एक और सॉल्वेंट ट्राई करते हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में वो सभी डिजॉल्व हो सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि यहां पर भी वाटर है, साथ में इसमें ऑल अमाइंस डिजॉल्व हो जाते हैं, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। अमाइंस, अमाइंस की प्रॉब्लम क्या है कि अमाइंस HCl के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है ना, और सॉल्ट जो है वो फिर डिजॉल्व हो जाता है। तो सभी अमाइंस डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब हमारा कंपाउंड जरा वापस से इस क्वेश्चन में देख लें, हमारा कंपाउंड एक्स है जो वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, HCl में डिजॉल्व नहीं होता, यानी एमीन वगैरह नहीं हो सकता ये, सोडियम बाइकार्बोनेट में डिजॉल्व नहीं है, यानी एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड नहीं, नाइट्रोफिनॉल नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन ये 10% NaOH में डिजॉल्व होता है, ये सॉल्युबल है NaOH में, यानी ये कोई फिनॉलिक कंपाउंड है। जरा इनके, इनको देखें जरा, मेटाक्रिसॉल मतलब क्या, फिनॉल के मेटा पर आप लगाएं मिथाइल ग्रुप, ये है मेटाक्रिसॉल। ओलिक एसिड क्या होता है, ओलिक एसिड होता है C18H34O2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड C के इधर की ओर लगा दो C8H17, 8 कार्बन इधर और 8 कार्बन इधर, CH2 7 COOH, यानी 7 CH2 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 COOH, ये होता है ओलिक एसिड, और ये सिस फॉर्म में होता है, सिस डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस है, अगर ट्रांस होता तो इनोलिक एसिड बोलते हैं। चलो टॉल्विडीन क्या है, टॉल्विडीन इज एन एमाइड, एमीन और ऑर्थो पर मिथाइल लगा हुआ है, ऑर्थो टॉल्विडीन है ये। बेंजामाइड आप जानते हो, बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब आप बताएं कौन सा सॉल्वेंट किस किस कंपाउंड्स को घोल सकता है, वो आपको पता है। अब आप बताएं हमारे कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो केवल NaOH में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में नहीं सॉल्युबल, डाइल्यूट HCl में नहीं सॉल्युबल और सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं सॉल्युबल है, ये आ जाएगा आंसर, इट इज फिनॉलिक कंपाउंड। सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, नोट करें।